जिलाधिकारी बांदा श्रीमती दीपा रंजन ने आज खटान पाइप पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाइप पेयजल योजना के निर्माणाधीन इंटकवेल एवं WTP साइट का निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन कार्य को देखा। उन्होंने कार्यदायी संस्था LNT के परियोजना निदेशक को निर्माण कार्यों में अधिक मेन पावर लगाकर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि उक्त दोनों स्थलों के इंटकवेल एवं WTP साइट के सिविल एवं इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य को 15 दिसंबर 2022 तक पूर्ण कराएं। इस कार्य में देरी ना की जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान खटान पाइप पेयजल के इंटकवेल के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिसमें बताया गया कि इंटकवेल का निर्माण 17 मी नीचे से नदी में जल आपूर्ति के लिए किया गया है, जिसमें 6 पंप लगाए गए हैं। उन्होंने CWR एवं पानी शोधन किए जाने वाले वाटर प्लांट का भी निरीक्षण करते हुए जल शोधन के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस पाइप पेयजल परियोजना में 33 KVA के विद्युत आपूर्ति एवं जनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे MP सिंह, कार्यदायी संस्था LNT के परियोजना निदेशक श्री अजीत वी, प्रोजेक्ट मैनेजर श्री प्रकाश सहित परियोजना के अन्य इंजीनियर उपस्थित रहे। बांदा से नवल तिवारी की खास रिपोर्ट।